केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब लोगों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। 27 सितंबर को भारत बंद होने के साथ गंगायचा टोल प्लाजा फ्री होने के कारण कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसान आंदोलन के कारण टोल बंद होने से 100-150 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। सरकार और प्रशासन से टोल को चालू करवाने की मांग को लेकर सीनियर मैनेजर नरेश कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलने पहुंचे टोल अधिकारी व कर्मचारियों ने कहा कि पूरे हरियाणा में गंगायचा टोल प्लाजा किसान आंदोलन से अछूता चल रहा था, लेकिन 27 सितंबर को भारत बंद वाले दिन किसानों की ओर से एक दिन के लिए टोल को फ्री कराने की बात कहकर यहां धरना शुरू किया था। उसके बाद 10 दिनों से किसान यहां बैठे हुए हैं और टोल फ्री चल रहा है। टोल कर्मियों ने जिला उपायुक्त की सुप्रिंटेंडेंट मंजूलता को ज्ञापन सौंप कर किसानों को टोल प्लाजा से हटाने और दोबारा से टोल चालू करवाने की मांग की है। टोल प्लाजा अधिकारी सीनियर मैनेजर नरेश कुमार कहना है कि टोल बंद होने के कारण कर्मचारियों को मजबूरन नौकरी से हटाना पड़ा, जिस कारण आसपास के गांव से आने वाले कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ा और उनकी नौकरी चली गई। टोल बंद होने से नाराज कर्मियों ने क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। रेवाड़ी से व्यापारी सत्येंद्र प्रसाद ने हिसार से विधायक कमल गुप्ता एवं हरियाणा प्रदेश वैश्य सम्मेलन के प्रांतीय प्रधान राजीव जैन के साथ कथित किसान आंदोलन के कुछ असामाजिक लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है जो बर्दाश्त से बाहर है। किसान नेताओं से आग्रह कि अपने इस कृत्य पर तुरंत माफी मांगे और व्यापारी समाज से टकराने की बात छोड़ दें। व्यापारी वर्ग का और किसानों का टकराव दोनों वर्गों के लिए ही हानिकारक है। नरेश कुमार हूँ मैं, टोल प्लाजा यहाँ पे गंगायचा टोल प्लाजा भी मैनेजर के ऊपर सीओएसी पद पे हूँ और हमारे टोल को 27 तारीख को बंद कर दिया गया था किसान प्रदर्शनकारियों ने, जिसकी वजह से हमारे टोल कर्मचारी बेरोजगार होने वाले हैं और इनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। पिछले काफ़ी समय से सैलरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो टोल कनेक्शन हमारा आना चाहिए था दोनों टोल का मिला के वो नहीं आ रहा है। और आज हम SDM साहब से दरखास्त करने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारा टोल चलाया जाए और सरकार से भी हमारा ये निवेदन है कि जितनी जल्दी ये टोल चल जाएगा हमारी बेरोजगारी बची रहेगी और हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। हमारे पूरे अगर टोल इस टोल प्रोजेक्ट के सभी कर्मचारी देखे जाएँ तो लगभग 200 से 250 कर्मचारी हैं। आज हम SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे निवेदन करने आए हैं कि हमारा टोल चलाया जाए। 27 तारीख से हमारा ये टोल फ्री कर दिया गया था सुबह 10 बजे से।